वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं मेघा। सुशांत सिंह राजपूत आज यानी कि 21 जनवरी को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुशांत एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही अपने एक्टिंग टैलेंट के बेसिस पर बॉलीवुड में अपना नाम कमा लिया। इनका छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक आने का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आज उनके जन्मदिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से और पवित्र रिश्ता के मानव से छिछोरे के अन्नी बनने तक का सफ़र, जानिए इस वीडियो में। सुशांत का जन्म पटना बिहार में 21 जनवरी 1986 को हुआ। साल 2002 में उनकी मां के गुजरने के बाद उनको और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा, जिसके बाद वो लोग दिल्ली आ गए। वहां पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। सुशांत एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में AIR में 7th रैंक हासिल किया। बचपन से ही उन्हें डांस का बहुत शौक था और कॉलेज के दिनों के दौरान उन्होंने श्यामक डावर के डांस क्लासेस को भी ज्वाइन कर लिया था। उनके अच्छे डांस स्किल्स को देखते हुए उन्हें 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर चुन लिया गया और इसी साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ओपनिंग सेरेमनी में सुशांत अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म भी किया। अपने दोस्तों से प्रभावित होकर सुशांत ने डांस के अलावा बैरी जोन्स के ड्रामा क्लासेस को भी ज्वाइन कर रखा था। एक्टिंग में रुचि बढ़ने के बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग में बनते करियर पर रोक लगा दी और वे मुंबई आ गए स्टार बनने। मुंबई आकर उन्होंने नादरा बब्बर के थिएटर एकजुट को ज्वाइन कर लिया। उसी थिएटर में एक एक्ट के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग टीम के एक मेंबर ने उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी से भी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें साल 2008 के स्टार प्लस के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में बतौर प्रीत जुनेजा का किरदार का अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के किरदार में बहुत बड़ा ब्रेक मिला और वे ऑडियंस के दिलों पर छा गए। इस सीरियल में उनका रोल एक काफ़ी मैच्योर और सीरियस मैकेनिक का था, जिसे छोटे पर्दे पर लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था और उस समय में यह सीरियल सुपर डुपर हिट भी था। सीरियल में शानदार एक्टिंग के कारण उन्हें बहुत से अवार्ड जैसे बेस्ट मेल एक्टर और बेस्ट पॉपुलर एक्टर भी मिले। इसके अलावा उन्होंने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज भी किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल से भी सबको अपना दीवाना बनाया। 2013 में उन्हें बॉलीवुड में बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे में हीरो का रोल मिला, जो कि चेतन भगत की किताब 3 Mistakes of My Life पर बेस्ड थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा भी गया और उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। फिर उसी साल उन्होंने यश राज फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस को साइन किया, जिसमें उनके साथ हीरोइन के रूप में थी परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर। 2014 में उन्हें फिल्म पीके में एक छोटा किरदार निभाने का भी मौका मिला, जिसे दर्शकों ने सराहा भी था। और 2015 में उन्होंने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म भी की। साल 2016 में फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने बॉलीवुड में उन्हें अलग पहचान दिलाई और उनकी गिनती सुपरस्टार्स में होने लगी। इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी और क्रिकेटर धोनी के किरदार को बखूबी निभाया भी था। उन्होंने 2018 में केदारनाथ और 2019 में सोन चिरैया जैसी फिल्में भी की, जिसमें उनके एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और दर्शकों द्वारा खूब प्यार भी दिया और पसंद भी किया गया। उसी साल यानी कि 2019 में उनकी दूसरी फिल्म छिछोरे आई, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया बल्कि लोगों के दिलों में अलग छाप छोड़ी। इस फिल्म को खास करके युवाओं ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 215 करोड़ का कारोबार किया। इस फिल्म को साल 2019 के टॉप फिल्मों में भी नाम मिला। बात करें अगर उनकी अपकमिंग फिल्म्स की, इसी साल यानी 8 मई 2020 को उनकी फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने वाली है, जिसमें वो संजना संघी के साथ नजर आने वाले हैं।
तो ये था सुशांत का पवित्र रिश्ता से मानव से बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने तक का पूरा सफर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बॉलीवुड से जुड़े और भी गपशप्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।